अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक खैर खरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। तो आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं लेडीज़ फिंगर यानी के भिंडियों की। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने एक पाव भिंडी ली है और दो बड़े प्याज हैं और दो अदरक, ये टमाटर हैं बड़े साइज़ के, और तीन चार मिर्चें हैं, और ये बाकी मसाले। हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलें जी, हम पहले अपने चूल्हे को ऑन करते हैं और ये एक ग्लास ग्लासी यानी के ऑयल की हम डालेंगे पहले। उसके बाद हम ये भिंडियाँ ऐड करेंगे और ये हमारे तरीके की भिंडियाँ हैं, बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनेंगी। आप देखना ये तरीका, ये 10-15 मिनट में भिंडियाँ तैयार हो जाती हैं। चलें जी, आप देख सकते हैं भिंडियाँ हमारी ब्राउन हो रही हैं। हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, इसलिए कि फिर ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो जले जले का जायका महसूस होता है। तो अब हम प्याज डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है भिंडी, आप मेरे तरीके से बनाएं और इंशाल्लाह हमारे आपके घर वाले और हमारे घर वाले उंगलियां चाटेंगे। हमारे तो चाटते ही हैं, आपके घर वाले भी उंगलियां चाटेंगे। तो अब हम टमाटर भी साथ में ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें जो हैं वो हम थोड़ी कम करेंगे, क्योंकि हमारे घर वाले ज़्यादा मिर्चें जो है ना वो नहीं खाते। और ये जो मसाले हैं, ज़ीरा है और हल्दी, आधी आधी चम्मच ही हमने सब लिया है, और आधा चम्मच नमक लिया है हमने, और ये सूखा धनिया, खुशक धनिया यानी के, और ये दड़ा मेरे थे। ये मसाले हम तेज़ नहीं खाते, हम थोड़े ही खाते हैं मसाले, तो आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं जितने आप ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम ज़्यादा थोड़ा सा कम खाते हैं, इसलिए हम कम ही डालेंगे मसाले। तो ये हम ऐड करेंगे। ये एक टाइम के लिए तो काफी है, पूरी फैमिली के लिए यानी कि घर में अगर तीन चार लोग हैं तो उनके लिए ये इतनी सब्जी काफ़ी है। अब हम हल्का सा ढक्कन देंगे और ढांप देंगे और हल्की आंच कर देंगे, उसके बाद हम खोलेंगे। अब ये 5 मिनट के लिए हम ढांप देंगे। चलें जी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। हम थोड़ी सी ये धनिया ऐड करेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, और आपको फाइनली लुक हम दिखाते हैं सर्व करके। चलें जी, हमारी भिंडी हो गई है तैयार। आप साथ में रोटियां भी पकाएं और खाएं माशाल्लाह। तंदूर के साथ में रोटी हो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैंने सोचा कि तंदूर से ही मंगवा लेते हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम है तो ये तंदूर की अच्छी लगेगी। चलें जी, अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक है। और साथ में हम थोड़ी सी धनिया ऐड करेंगे लुक प्यारी बनाने के लिए। तो चलें जी, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। चलें, मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।